मैंने जुबी भाई की 5-6 महीने पहले एक फॉक्स वैगन में इन्होंने सीएनजी किट इंस्टॉल की थी, उस वीडियो को देखकर ही मैं आया था। और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी वही थी कि फिटमेंट उसी क्वालिटी की हो, और जो कि हुआ भी है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है हमारी वोक्सवैगन की पोलो 2012 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेट इंजन। इस गाड़ी में आज हमने सीएनजी किट इंस्टॉल की है, साथ में डायनामिक एडवांसर भी इंस्टॉल किया है और साथ में कुछ एडऑन्स भी इंस्टॉल किए हैं, वो मैं आपके साथ वीडियो के दौरान शेयर कर दूंगा। तो एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हमने इस गाड़ी में किस तरह की इंस्टॉलेशन की है, गाड़ी में सीएनजी के क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ इंस्टॉल हुए हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो यह है हमारा पोलो का इंजन बे और आप देख सकते हैं कि इसमें सीएनजी इंस्टॉल्ड है। और शुरुआत करते हैं फिलिंग वॉल्व से। तो ये हमारा फिलिंग वॉल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर है, रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग जीरो प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसके ये गेज लगा है, गेज का काम होता है जो स्विच होता है हमारा गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट फिल कराना है। साथ में यह है मैप सेंसर सीएनजी सिस्टम का। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं, इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। ये 3 सिलेंडर कार है तो इसके 3 ही पोर्ट एक्टिव है, एक हमारा फ्री है, इफ इन केस किसी एक में इशू आता है तो ये भी यूज किया जा सकता है। साथ में ये है हमारा सीएनजी सिस्टम का ईसीएम, बेसिकली माइंड कहते हैं हम इसे सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के लगे होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है, जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके स्टोर होती है। और ये पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो ये है हमारा डायनामिक एडवांसर। इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, अगर आप स्टैटिक एडवांसर लगाते हैं तो इसमें चेक इंजन लाइट या जर्किंग या सर्विस लाइट ऑन होने का इशू आ जाता है। बेसिकली ये गाड़ी एक्सेप्ट नहीं करती स्टैटिक एडवांसर को। डायनामिक एडवांसर इसमें पूरी तरह से कंपैटिबल है बिकॉज डायनामिक एडवांसर गाड़ी के काफ़ी सारे सेंसर्स के साथ काम करता है, क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, थ्रॉटल सेंसर और मैप सेंसर के साथ। तो इन सबको जब वो साथ लेके चलता है, साथ सिंक्रोनाइज करके चलता है तो गाड़ी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। और ये हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्विक है, तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स और पिकअप एकदम पेट्रोल जैसा ही रहता है। साथ में एडॉन्स की बात करें तो ये हमारा फिल्टर है, फिल्टर का काम होता है जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें वक्त के साथ ऑयल के वेपर्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो ऑयल के वेपर्स किसी भी तरह से इंजन ब्लॉक में ना पहुँचे ये फिल्टर उन्हें रोकता है। साथ में हमने जो इसमें वायरिंग की है वो कपलर टू कपलर नहीं की है, इसमें हमने सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया है। सोल्डरिंग बेसिकली इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि जैसे बहुत से लोगों का डाउट होता है यार कपलर टू कपलर कराऊंगा तो वायरिंग नहीं कटेगी गाड़ी की ओरिजिनल, बट देखिए ऐसा है जो कपलर्स आते हैं वो किसी भी पर्टिकुलरली अच्छे ब्रांड के या रेपुटेटेड ब्रांड के नहीं होते, जैसे कि ल्यूमेक्स हो गया, मिंडा हो गया, बॉश हो गया, ऐसे किसी ब्रांड के नहीं होते, वो लोकल होते हैं, तो वक्त के साथ वो गर्म होकर लूज हो जाते हैं जिसकी वजह से गाड़ी में पेट्रोल पे या सीएनजी पे मिसिंग आने लग जाती है। तो इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े इसलिए हमने इस गाड़ी में कपलर नहीं लगाए हैं। देखिए इनिशियली बड़ा अच्छा लगता है कि यार मेरी गाड़ी की वायरिंग नहीं कट हुई, मगर बाद में वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर देते हैं। और बाकी जब गाड़ी में एडवांसर लगता है चाहे वो स्टैटिक हो या डायनामिक हो, वायरिंग को कट करना पड़ता ही है कनेक्टिविटी देने के लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी गाड़ी 100% विदाउट वायरिंग कट के सीएनजी इंस्टॉल की जाए। तो ये तो हमारा हो गया इंजन बे। एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ पोलो का कि इसमें हमने सिलेंडर की प्लेसमेंट कैसी की है, ब्रैकेट किस क्वालिटी का इस्तेमाल किया है और कितना स्पेस बचता है। तो ये है हमारा पोलो का बूट स्पेस और इसमें जो सिलेंडर इंस्टॉल्ड है वो 14 kg का है और 12 kg का इसमें आ नहीं पाता बिकॉज इसमें साइड में ये टर्नर्स निकले हुए होते हैं तो 14 kg का ही लग पाता है। बाकी ब्रैकेट की क्वालिटी आप देख सकते हैं, एकदम कंपनी फिट वाला ब्रैकेट है। नट बोल्ट जो हम यूज़ करते हैं, बोल्ट हमारे हाई क्वालिटी बोल्ट्स हैं और जो नट हैं हमारे वो सेल्फ लॉकिंग नट्स होते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे सेल्फ लॉकिंग नट्स हैं, एक बार ये टाइट हो जाते हैं तो दोबारा कभी लूज़ नहीं होते खुद से। साथ में इसमें डक्टिंग लगी है, अगर कभी बाई चांस सिलेंडर में ओवरफिलिंग हो जाती है तो जो एक्सेस गैस है वो इस डक्ट के थ्रू गाड़ी के नीचे से बाहर आ जाती है और आपके कैबिन में गैस की स्मेल नहीं आती। साथ में हमने इसमें लगाए हैं ये कुशन बफर्स, अगर आपको दिख पा रहे हो, कुशन बफर्स बेसिकली गाड़ी की हाइट को मेंटेन करते हैं। होता क्या है जब हम इसमें सिलेंडर इंस्टॉल करते हैं तो एक्सेस वेट की वजह से गाड़ी हमारी थोड़ी सी नीचे हो जाती है, तो जो ये कुशन बफर्स हैं वो हमारी गाड़ी के ओरिजिनल स्प्रिंग्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं उस एक्स्ट्रा वेट को हैंडल करने के लिए, उससे गाड़ी हमारी दबती भी नहीं है और गाड़ी में बॉडी रोल भी नहीं आता।
तो ये तो हो गई हमारी इंस्टॉलेशन। एक बार दिखा देता हूँ सिलेंडर की, एक बार और आपको दिखा देता हूँ इंजन बे की। आप देख सकते हैं किस तरह की इसमें इंस्टॉलेशन है, सारी वायरिंग वगैरह आप देख सकते हैं एकदम कंपनी फिटेड की तरह है। जितनी अच्छी इंस्टॉलेशन होती है फ्यूचर में फॉल्ट्स और एरर्स आने के चांसेस उतने ही कम रह जाते हैं। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि उन्हें हमारे काम की क्वालिटी कैसी लगी। सर आपके सामने सारा काम हुआ, तो काम की क्वालिटी आपको कैसी लगी और अभी आपने गाड़ी ड्राइव की, कैसी लगी गाड़ी चलाने में? तो गाड़ी मैंने लगभग अभी 2 किलोमीटर के आसपास पोस्ट इंस्टॉलेशन ट्राई की है, जाम में भी और थोड़ी रेव करके भी देखी है स्पीड पे। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ और मेरे को लगा ही नहीं कि CNG पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंस्टॉलमेंट काफ़ी नीट एंड क्लीन रही है। एक्सपीरियंस मेरा आज काफ़ी अच्छा रहा है जूबी भाई के साथ। और सेटअप आपके मन मुताबिक? हाँ, मैंने जूबी भाई की 5-6 महीने पहले एक फॉक्स वैगन में इन्होंने CNG किट इंस्टॉल की थी, उस वीडियो को देखकर ही मैं आया था। और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी वही थी कि फिटमेंट उसी क्वालिटी की हो, और जो कि हुआ भी है। अभी देखते हैं आगे, लगभग 15-20 दिन में इसको ड्राइव करके देखता हूँ और फिर देखेंगे फिर कैसी एक्सपीरियंस रहेगा अभी। तो सर फिलहाल सेटिस्फाइड है। और देखिए वोक्स वैगन या स्कोडा की गाड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा बदनाम है मार्केट में कि यार ये CNG पे अच्छी नहीं चल पाती, मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये गाड़ियाँ बहुत शानदार हैं CNG पे। चाहे आप पोलो ले लो, वेंटो ले लो, रैपिड ले लो, फैबिया ले लो, ये सारी गाड़ियाँ बहुत शानदार परफॉर्म करती हैं CNG पे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लिटरली मारुति की गाड़ी लोग कहते हैं अच्छी चलती है, मुझे वोक्स वैगन की गाड़ी में जो एक कसावट होती है ना कि गाड़ी जम के चलती है, आप चाहे CNG पे चलाओ या पेट्रोल पे चलाओ वो एक अलग स्टोरी है, मगर CNG पे भी ना बड़ा एकदम बंदी बंदी सी गाड़ी चलती है। तो गाड़ी वोक्स वैगन की हो या स्कोडा की बहुत मस्त चलती है। डिपेंड्स कि इंस्टॉलेशन कैसी हुई है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि गाड़ी में इंस्टॉलेशन के बाद ट्यूनिंग किस तरह से की है। आपने सब चीज़ें लगा दी, बड़ी सुंदरता से लगा दी, डायनामिक भी लगा दिया, बहुत अच्छा ब्रैकेट फिल्टर अलाना फलाना सब लगा दिया, मगर आपने गाड़ी को कैलिब्रेट ही नहीं किया एज़ पर द कार्स पोटेंशियल, और आपने CNG किट को उसके पोटेंशियल तक नहीं पहुंचाया कि वो जिस पोटेंशियल पर काम कर सकती है। तो ये सब कुछ करना बेकार है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितनी भी मेंटेन्ड गाड़ी हो, कितनी भी खूबसूरती से आपने किट लगा दी हो, कितने भी एडवांस कर दिए हो, अगर आपने गाड़ी की ट्यूनिंग ठीक नहीं की तो गाड़ी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलेगी। और आपने एडऑन्स नहीं लगाए, गाड़ी आपकी मेंटेन्ड है, किट आपने अपनी नॉर्मल जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट है, ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ किए और एडऑन्स भी नहीं लगाए ना, फिर भी गाड़ी आपकी अगर ट्यूनिंग अच्छी है तो एक नंबर परफॉर्म करेगी। तो इन शॉर्ट बहुत से लोगों का डाउट ये होता है भाई कौन सी ब्रांड की किट, जो हर आदमी का होता है भाई मेरी गाड़ी के लिए कौन सी किट बेहतर है। तो हर वीडियो में काफ़ी टाइम से मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव ब्रांड चूज़ कर सकते हो, सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, बशर्ते अच्छे से इंस्टॉल हुई हो और उसके बाद जो गाड़ी की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसकी ट्यूनिंग हुई हो, गाड़ी आपकी किसी भी ब्रांड के साथ बहुत शानदार परफॉर्म कर सकती है। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।